ग्वालियर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुभाषिनी शरद ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। हालांकि इस दौरान वे आशिक के जनाजे वाले अमित शाह के बयान और विरासत कानून को लेकर कंफ्यूज नजर आई। सुभाषिनी शरद यादव का अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जहां उन्होंने अमित शाह के आशिक के जनाजे वाले बयान पर पहले तो आपत्ति दर्ज कराई और इसे शर्मनाक बताया, फिर खुद ही कहती नजर आई कि जनाजा जरूर निकलेगा, जनता खुद जनाजा निकालेगी। हालांकि वो स्पष्ट नहीं कर पाई कि उन्होंने यह बयान किसको लेकर दिया है और आखिर जनाजा किसका निकलेगा। वहीं विरासत कानून को लेकर भी सुभाषिनी थोड़ी कंफ्यूज सी दिखी और विरासत कानून जैसा कोई कानून ही ना होने का दावा कर डाला। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था ये कि एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके का बयान देश के गृह मंत्री दे रहे हैं, और ये इनकी ये चेतना दिखाती है कि ये घबराए हुए, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री इस प्रदेश की सेवा करी है। 75 साल की उम्र में भी उन्होंने पद यात्रा निकालने का काम करा अपने जिले में, नर्मदा की उन्होंने यात्रा करी। ऐसे सम्मानजनक आदमी के लिए गृह मंत्री आके ऐसी टिप्पणी करते बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके पास अगर मुद्दे हैं तो इन सवालों का जवाब करें ना, प्रेस में जाने का काम करें, रैली में आके क्यों बोलते हैं? हम लोग तो प्रेस में आने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अनेक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, बीजेपी के आप मुझे बता दीजिए प्रधानमंत्री ने 10 सालों में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।